रंग बरसे अरे रंग बरसे दिखे चुनर वाली अब गुजिया के लिए सबसे पहले हम उसका डो बना लेंगे। डो के लिए 2 कप मैदे में हम रफली अराउंड 2 टेबलस्पून घी डालेंगे, फिर इसमें पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे। ध्यान रहे ये बहुत मुलायम भी नहीं होना चाहिए, बहुत कड़ा भी नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक डो बना लेंगे और ये हमारा डो बन गया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे जब तक हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। इसके ऊपर हमें गीला कपड़ा डाल देंगे कि ये मॉइस्ट रहे। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा तेल ले लेंगे, अराउंड 1 or 2 टेबलस्पून। उसमें सबसे पहले हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आपके पास घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हों, 1 कप ड्राई फ्रूट्स, अराउंड 2 टेबलस्पून किशमिश, फिर हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। 2 मिनट तक हमारे ड्राई फ्रूट्स भून रहे हैं, फिर हम इसमें 2 टेबलस्पून सूजी डालेंगे। इसको भी 2 मिनट फ्राई करने के बाद एक सुंधी सी खुशबू आने लगे तब आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिएगा। ये अराउंड 3 टेबलस्पून चीनी है। फिर हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। दो मिनट ये भुन गया है चीनी, इसके बाद हम इसमें खोया ऐड कर देंगे। चीनी का भी हाल नमक वाला होता है। अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा, अगर आपको नॉर्मल चीनी पसंद है तो 3 टेबलस्पून इनफ होगा। अब खोया डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भुन लेंगे। 4-5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि खोया मेल्ट करके अच्छे से मिल गया है और ये हलवे की तरह कंसिस्टेंसी हो गई है। इसका मतलब हमारा स्टफिंग तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और आके पिड़िकिया बनाना शुरू करते हैं। अपनी चाशनी के लिए हम पहले 1 कप चीनी लेंगे, उसमें हम अराउंड 3/4 कप पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसमें चीनी को पूरा मेल्ट करना है। इस चीनी को हमें तब तक चलाना है जब तक चीनी घुल ना जाए और हमारे एक तार की चाशनी तैयार ना हो जाए। ये थोड़ा सा घुलने लगे तब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर अराउंड 1/2 टीस्पून डालेंगे और 1-2 धागा केसर का, और फिर इसको हम मिलाते रहेंगे। इससे आपके चाशनी में अच्छी खुशबू और रंग भी आ जाएगा। और ये हो गई हमारी चाशनी तैयार। अब हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हमारे गुजिया बनाने के लिए हम अपनी स्टफिंग को डो में डालेंगे और उसका शेप, गुजिया का शेप दे देंगे। इसके लिए आप छोटे छोटे लोइए लेंगे, इसको हम छोटी पूड़ी की तरह बेल लेंगे। इसको हम लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा, अंदर वो करेंगे कि इसमें हम स्टफिंग डाल सकें। फिर इसमें हम थोड़ी सी स्टफिंग डालेंगे, और फिर हम इसको टाइट से बिल्कुल बंद कर देंगे।
और ये हो गया हमारा सुपर इजी गुजिया तैयार। एक बार हमारा गुजिया फिल हो जाए उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे। ध्यान रहे तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका गुजिया जल जाएगा। हम इसको मीडियम हीट पे ही पकाएंगे। और हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम एक एक करके अपना गुजिया डाल देंगे। अब देख सकते हैं हमारा गुजिया ब्राउन हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और चाशनी में डाल। चाशनी में डाल के हम इसको निकाल देंगे। अगर ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो इसका क्रंच चला जाएगा और ये सॉगी हो जाएंगे। तो वंस इट्स डिप्ड अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे।